प्रेज लॉर्ड, आज हमारे लिए मनन करने का सुसमाचार है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:7 से लेकर 15 तक। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र बना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा प्रदान करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, 2 दिन पहले मैं आप सबों के साथ में प्रभु के फॉरगिवनेस के बारे में या हमारे जीवन में फॉरगिवनेस की जरूरत के बारे में, क्षमा की जरूरत के बारे में मनन किया था। आज भी वही लगभग थीम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस बीच सबसे उत्तम प्रार्थना हे पिता हमारे आज हमारे मनन का विषय है। हमारे जीवन में हम लोग इस प्रार्थना को बारंबार कहे हैं, प्रार्थना की है बचपन से लेकर अभी तक। अधिकतर जो कॉन्वेंट में पढ़ाई करते हैं वे भी इस प्रार्थना को, आवर फादर प्रेयर को भली भांति जानते हैं, हे पिता हमारे। सबसे उत्तम प्रार्थना इसलिए क्योंकि प्रभु ने हम सबको इस प्रार्थना को सिखाया है। सुसमाचारों में हम देखेंगे कि शिष्य उनसे मांगते हैं, हमें प्रार्थना करने सिखाई, तो प्रभु ये प्रार्थना जो है अपने शिष्यों को बताते हैं, हे पिता हमारे, बारंबार कही गई वही प्रार्थना। इस प्रार्थना के मुख्य 4 भागों में हम बांटे जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, वी आर सीकिंग गॉड, प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। सीकिंग गॉड, प्रेसिंग गॉड, एडोरिंग गॉड, प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रथम भाग। दूसरा भाग है गॉड्स केयर, प्रभु किस प्रकार हमारी रक्षा करता है उसका झलक इस प्रार्थना के दूसरे भाग में हमें मिलता है। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। अन्य भाषाओं में सप्लिकेशन, जो हम हमेशा ईश्वर के सामने करते रहते हैं। लेकिन एक बात आज के सुसमाचार के शुरुआत में हमने सुनी थी, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, तो इसलिए बार बार मांगते मत रहो। तुम्हारा पिता जानता है, प्रभु जानता है, पूर्ण विश्वास कीजिएगा। गॉड्स केयर। तीसरा भाग है गॉड्स फॉरगिवनेस, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रभु हमें क्षमा दान करते हैं, हमें क्षमा प्रदान करते हैं, जैसे हम एक दूजे के साथ में क्षमा करते हैं। और एक सप्लीमेंट के रूप में आज के सुसमाचार के अंतिम लाइन में, जो ये प्रार्थना का हिस्सा नहीं है, प्रभु ने जोड़ा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे
तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रार्थना में हम कहते हैं, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने भी अपनी अपराधियों को क्षमा किया है। हमें क्षमा प्राप्त करने के लिए क्षमा देना अत्यंत जरूरी है। अंतिम भाग डिलीवरेंस, रक्षा, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। इसलिए कहते हैं ये प्रार्थना जो है एक महत्वपूर्ण एवं संपूर्ण प्रार्थना है, प्रभु की आराधना है, हमारी सप्लिकेशंस है, और पाप क्षमा है और प्रभु की क्षमा है और हमारा रक्षा का संदेश भी है। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हमें प्रार्थना करना नहीं आ रहा है, इस प्रार्थना को हम लोग ध्यानपूर्वक एक बार कहने की कोशिश करें। अब्बा पिता, जैसे हम अपने अपने पिताजी को डैडी पुकार कर बुलाते हैं, एक बहुत ही निकट रिश्ते का ये संदेश देता है। ओ प्रभु हमको सुनता है, हमारे जीवन में कार्य करता है। आइए प्रभु के इन वचनों को सुनते समय हम लोग जब भी इस प्रार्थना को आज के दिन दोहराएंगे, ध्यानपूर्वक इन वचनों पर मनन करें।